आशा बेगम गलेजी स्टिचिंग में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत व्यूवर्स, चलिए आज राखी बंधन है। आपका सामने में कुछ मीठा चीज लेके आए हैं, एकदम झटपट शॉर्टकट में बना के खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार टेस्टी। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, वो भी पूरा एकदम घी वाला। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हम कढ़ाई पहले से बैठा दिए हैं, डायरेक्ट हम आपको हर चीज चूल्हा पे ही दिखाएंगे। आज हम सजाए नहीं, पर डायरेक्ट चूल्हा पर ही दिखाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, चूल्हा में हमने कढ़ाई बैठा दिए हैं। यहाँ पे देखिए घी, हम तकरीबन 200 ग्राम घी ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए सूजी हम हाफ किलो ले लिए हैं। अभी हम ये डालडा घी लिए हैं, डालडा घी हम 200 ग्राम लिए हैं। और जो ओरिजिनल गाय का घी वो भी हम लेंगे। कैसे लेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, बस फॉलो कर कीजिए और देख के बनाते रहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं, डालडा घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। अब इसको बढ़िया से हम फ्राई करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने डालडा घी जो गरम कर लिया था, कैसे गरम था आपको दिखाए हम, इसे वैसे ही गरम रहेगा। तब आप सूजी जब फोड़िएगा, इसका जो कच्चापन है वो तुरंत उतार जाएगा। अब इसको क्या करना है, हल्का हमको गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का एकदम। अब इसमें देखिए पूरा अच्छा से मिक्स कर लिए। इसको हम 2 मिनट तक मीडियम आंच में फ्राई करेंगे, चलाते हुए घना घना। आप लो फ्लेम में भी कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा है। तो जैसे कि देख सकते हैं, 2 मिनट हो गया है, इसका कलर कुछ निखर के आया है। अभी क्या करेंगे हम इसमें, और हम घी इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि डालडा घी लिए हैं, और भी हम डालडा घी लेंगे, तकरीबन 200 ग्राम हम और लेंगे। तो देखिए 200 ग्राम हो गया है, तकरीबन हमारा 500 ग्राम लगेगा इसमें डालडा घी, क्योंकि हाफ किलो है सूजी हमारा, तो हाफ किलो डालडा घी लगेगा। तब जब पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा से बन के आएगा। अब देखिए, पहले हम पका हुआ दिए हैं, पूरा तेल गरम करके हम डालडा घी ऐड किए हैं, अभी हम कच्चा ऐड किए हैं। इससे क्या होगा, दोनों तरीका का खुशबू निखार के आएगा। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये आप देख सक रही हैं, पूरा हमारा घुल मिल गया डालडा में, डालडा घी जो है और उसमें सूजी। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे कि आपको बोले, यहाँ पे देखिए 4 से 5 टुकड़ा छोटा साइज का हमने दालचीनी लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। लौंग हमने 4 से 5 पीस लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। इलायची हम 4 पीस लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम बढ़िया से चलाएंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। उसका पहले और एक चीज हम ऐड करेंगे, वो है तेज पत्ता। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये 2 पीस तेज पत्ता है, इसको हम बीच से तोड़ देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, और इसी में हम देके फ्राई करेंगे। ये तकरीबन हमारा फ्राई करते वक्त लगेगा 3 से 4 मिनट। फ्लेम अगर आपका हाई है तो 2 से 2.5 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे गोल्डन ब्राउन होके आया है, ये इसी टाइप का होगा। अब ये हमारा हो गया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, 1 लीटर पानी हमने पहले दे दिया है, उबाला दिया, अभी और 1 लीटर पानी हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपना सामान का क्वांटिटी का हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसको हम बढ़िया से चला लेंगे, इसी टाइप का चलाते रहेंगे बीच बीच में। सूजी हमारा देख सकते हैं कैसे गोल्डन ब्राउन होके है, इसी टाइप का होगा, तभी इसका कलर निखर के आएगा। तो देखिए हम इसको चला लिए हैं, उबाल आने का पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रेड फूड कलर हमने लिए हैं, यहाँ रेड फूड कलर लगेगा। हम 1 टीस्पून रेड फूड कलर लिए हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच गुलाब पानी, केवड़ा वाटर 1 चम्मच।
हाफ टी स्पून इतर मीठा इतर इसमें ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे ताकि पूरा हमारा जो सूजी है उसमें बढ़िया से मिक्स हो जाए। जब भी आप पानी डालिएगा फ्लेम लो कर दीजिएगा चाहे फ्लेम ऑफ कर लीजिएगा और सावधानी से एक ढक्कन लीजिएगा तभी पानी ऐड कीजिएगा और नहीं तो भूज के थोड़ा सा बाकी रहेगा उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तब पानी ऐड कीजिएगा तो आपका छींटा नहीं पड़ेगा। हमें बना के यादा थे हम बना लिए अपना हिसाब से हम बनाते हैं। अब इसको उबल आने तक हम इसी तरह का चलाते रहेंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है आप देख सकते हैं फ्लेम हमारा हाई है अभी तकरीबन उबाल आया है 2 मिनटों में आ गया है 1.5 से 2 मिनट। तो ये देखिए पानी भी जैसे जैसे ये फूलते जाएगा वैसे वैसे पानी सोखते जाएगा पर इसको चलाते रहना है और सावधानी से छींटा नहीं पड़े हलवा बनाने में छींटा पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम इसी टाइप का रहेगा हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे हम 300 ग्राम चीनी लिए हैं आप अपना स्वाद अनुसार जितना मीठा खाते हैं कम बेसी कर सकते हैं। हम इसमें 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे इस टाइप से। इसको हम इसी टाइप का चलाते हुए पानी सुखाएंगे अभी और 2 मिनट तक हम चलाएंगे उसका बाद आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 2 मिनट हो गया है फ्लेम हम हाई करके रखे थे अब हम लो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम हम पिस्ता ऐड करेंगे। अब देखिए काजू बादाम ये तकरीबन हम 250 ग्राम लिए हैं और इसको देखिए सारा बीज से हम अलग कर दिए ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। अब इसको हम चलाएंगे बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको अभी अभी हम इसको चलाए थे पर अभी और इसको हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके हम इसका पानी सुखाएंगे। तो ये देखिए चारों तरफ कैसे तेल छोड़ के आया है और कैसे उबाल आ रहा और इसको देखिए हमको ढक के ही पकाना है क्योंकि चारों तरफ तेल छिड़ता है। अगर बड़ा कढ़ाई है आपको नीचे में एकदम सामान आ जा रहा तो आपको ढक के पकाने का जरूरत नहीं। अगर इसी टाइप का आपका ज़्यादा सामान है और तेल छिटा पड़ रहा चारों तरफ तो आप ढक के पकाइएगा। इसी टाइप का हम चलाते रहेंगे पूरा जब तक ये सूख नहीं जाए पूरा चारों तरफ तेल छोड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं हलवा हमारा होके आ गया है ऐसे ही होगा। अगर आपका हलवा में तेल कम पड़ गया है तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि बनाते टाइम आपको लग रहा है जब वहाँ तेल कम हो गया आपका हलवा साइड में लग रहा है जल जाएगा अगर तेल नहीं रहेगा तो ये वाला हलवा जब आप बनाने जाइएगा इसी टाइम में जल जाएगा और इस टाइप का अगर तेल रहेगा तो आपका हलवा जलेगा नहीं और पूरा ये पूरी वाला हलवा और आपका जो पराठा खाते हैं हलवा पराठा उसका संग में जो पराठा यूज होता है इसके लिए ये परफेक्ट है। ये मार्केट में नहीं मिलता है ऐसा वाला ये सिर्फ घर में ही आप बना के खा सकते हैं क्योंकि इतना महंगा मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ तेल छोड़ रहा है अगर आपका ज़्यादा तेल हो जाएगा तो क्या कीजिएगा हलवा को थोड़ा इस टाइप का साइड कर दीजिएगा और एक साइड इस टाइप का प्लेन कर लीजिएगा। तो जैसे जैसे तेल छोड़ेगा ऐसे ऐसे आप निकाल लीजिएगा ये देखिए इस टाइप का तो हमारा परफेक्ट है हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है हम इसी में ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें लास्ट में सारा चीज़ हम ऐड कर दिए हैं हमको और कोई चीज़ ऐड करना नहीं है जैसे जैसे हम किए हैं वैसे वैसे आप कीजिएगा। और जैसे कि हम बोले हैं तेल आपको ऐड करना है तो इसी टाइम जैसे देखिए इस टाइप का जब पकड़ेगा तो आप इसमें तेल ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी
ये भैंस का घी है, आप गाय का भी घी ले सकते हैं, तो ये घी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। तो देखिए हलवा हमारा बनके रेडी हो गया। हम बढ़िया से घी मिक्स कर लिए और इसमें हमको कुछ ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर एक टीस्पून का लगभग इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे रखिएगा तो बहुत स्वाद आएगा। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और आपको निकल के दिखा रहे हैं। तो देखिए सूजी का हलवा बादाम वाला बन के रेडी हो गया। घी वाला भरपूर इसमें घी है। आप देख सकते हैं हलवा में हमारा चारों साइड देखिए किनारे तेल छोड़ दिया। इसी टाइप का होगा तब आपका हलवा एकदम परफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये देखिए इसी टाइप का होगा, इतना टेस्टी होता है क्या बोले आपको। इसी टाइप का बना के आप खाइए। आज का हमारा ये हलवा का डिश कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा तरफ से प्यार भरा राखी बंधन के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।